भावना है कि भाई आपका राज्य, आपका जिला, आपका इलाका इन संकट से जल्द मुक्त हो जाए। ये दिवाली का त्योहार है, मैं मुख्यमंत्रियों की व्यस्तता समझ सकता हूं, और फिर भी मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं कि वे समय निकाल करके हमारे साथ बैठे हैं। ये बात सही है कि मैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करना चाहता था, मैं मुख्यमंत्रियों को परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कमिटमेंट है मुख्यमंत्रियों के दिल में भी अपने राज्य को 100% वैक्सीनेशन का जो उनका लक्ष्य है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री भी आज हमारे साथ बैठे और उनकी मौजूदगी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनको एक नया विश्वास देगी, नया ताकत देगी, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको इतना महत्व दिया और समय निकाल करके वो आज त्योहारों के दिन में भी बैठे हैं। मैं हृदय से सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करता हूं, और मुझे विश्वास है कि आज जो बातें हुई हैं, अब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और हमें परिणाम मिलेगा। और मैं बताता हूं जी, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी, कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है, और इसलिए हमारे यहां तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। साथियों, 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके अजमाए, और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक, ये इसमें जान भरती रहेगी। आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही हैं। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुश्किल आई, तो कहीं साधन संसाधनों की चुनौती रही, लेकिन ये जिले इन चुनौतियों को पार करते ही आगे निकले हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है, हमने बहुत कुछ सीखा है, और एक अननोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है ये हमारे छोटे छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है। अब आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी बताते हुए आगे बढ़ना है। अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए, हम हर गांव, गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे, और जहां कहीं भी जो भी कमियां है उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। जैसा अभी आपसे बातचीत में भी मैं स्पेशल कैंप लगाने की बात उठी, ये विचार मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाइए। आप क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो, इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं। हमारे जो एनसीसी एनएसएस के युवा साथी हैं, आप उनकी भी ज्यादा से ज्यादा मदद लीजिए। आप अपने अपने जिलों का क्षेत्रवार टाइम टेबल इसको भी बना सकते हैं, अपने स्थानीय लक्ष्य तय कर सकते हैं,
और मैंने तो देखा, मैं लगातार ग्रासरूट लेवल के सरकार के हमारे साथियों को बात करता रहता हूं, मैंने देखा है कि महिला जो हमारी अधिकारी है, खास करके वैक्सीनेशन के काम के जुड़ी, वो बड़ी जी जान से जुड़ गई, उन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं। हमारे जो महिला वर्कर्स हैं सरकार में, जितनी हमारी बहनें, इवन पुलिस में भी हमारी जो महिलाएं हैं, उनको भी कभी 5 दिन 7 दिन के लिए इस काम के लिए ले चलिए, आप देखिए परिणाम बहुत तेजी से मिलेगा। मन में उस समय रहो, आपके मन में यही रहा था कि आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, आप समाज के लिए जी जान से जुटेंगे, फिर एक बार उन सपनों को याद कीजिए, उन संकल्पों को याद कीजिए और हम तय करें समाज में जो पीछे हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। उसी भाव को याद करने के हम एक बार जुट जाएं दोस्तों, मुझे विश्वास है आपके साझा प्रयास से बहुत जल्द आपके जिलों में वैक्सीन की स्थिति सुधर जाएगी। आइए हर घर दस्तक, घर घर जाकर के टीका अभियान को हम सफल बनाए। आज देश के भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, आप भी आगे आइए। आपने टीका लगवाया, अच्छी बात है, लेकिन आप औरों को टीका लगाने के लिए मेहनत कीजिए, तय कीजिए हर दिन 5 लोगों का इस काम में जोड़ेंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे, 2 लोगों को जोड़ेंगे। ये मानवता का काम है, मां भारती की सेवा का काम है, 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण का काम है। हम कोई कोताही न बरतें, हमारी दिवाली उन संकल्पों की दिवाली बने। आजादी के 75 साल हम मनाने जा रहे हैं, ये आजादी के 75 साल खुशियों से भरे हो, आत्मविश्वास से भरे हो, एक नए उमंग और उत्साह से भरे हुए हो, इसके लिए अब समय बहुत कम मेहनत करने की है, बहुत कम समय में मेहनत करने की है। मेरा आप सब पर भरोसा है, आप जैसी यंग टीम पर मेरा भरोसा है, और इसलिए मैंने जानबूझ करके विदेश से आते ही मेरे देश के इन सारे साथियों से मैंने मिलने का विचार किया। सारे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे, इसकी गंभीरता कितनी है ये आज मुख्यमंत्रियों ने भी दिखा दिया है। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का भी आभारी हूं, मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।